सुंदरनगर वार्ड के पार्षद मृत्युंजय दुबे ने मंगलवार को पानी की समस्या को लेकर मटकारख महापौर एजाज ढेबर के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि भीषण गर्मी के चलते शहर भर में पानी की सप्लाई प्रभावित हुई है, घर और सार्वजनिक हैंडपंप सूख गए हैं। उन्होंने कहा कि अमृत मिशन के नए नलों में पानी की धार पतली हो गई है। लाखे नगर ढाल, एकता कैंपस, चंद्रशेखर नगर, मैत्री नगर के नलों में पानी का प्रेशर नहीं के बराबर है। बार बार पानी नहीं आने की शिकायत के बाद भी महापौर एजाज ढेबर आग कान बंद करके बैठे हुए हैं। साथियों, आज हम सब इस भरी दोपहरी में रायपुर नगर निगम के वार्डों में पिछले दो महीने से, बल्कि मैं कहूंगा कि छह महीने से, जिन वार्डों में अमृत मिशन जल योजना की पाइपलाइनें बिछाई गई है और जिन वार्डों में अमृत मिशन जल योजना की पाइपलाइनों से पीने का पानी नया कनेक्शन दिया गया है, आज पहली गर्मी में उस अमृत मिशन की नलों से धार पतली हो गई है, नलों की टोटी सूख गई है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के पार्षद नगर निगम के कांग्रेस के महापौर एजाज ढेबर को बताते आ रहे हैं कि वार्डों में, गली मोहल्लों में, गरीब बस्तियों में, कॉलोनी में पानी पीने का नहीं आ रहा है। पिछले 12 तारीख को, मई को सभी पार्षदों की समीक्षा बैठक हुई। महापौर ने बोला कि समस्या का निराकरण हो जाएगा, नगर निगम आयुक्त ने बोला समस्या का निराकरण हो जाएगा। जिन जिन वार्डों में, जिन जिन नागरिकों के घरों में पानी नहीं आ रहा था, जिन जिन मोहल्लों में पानी नहीं आ रहा था, जिन गरीब बस्तियों में पानी नहीं आ रहा था, कॉलोनियों में पानी नहीं आ रहा था, उन घरों में जाकर पार्षदों के साथ नगर निगम के अधिकारियों ने दौरा किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष भाजपा पार्षद दल ने पिछले 12-13 तारीख को महापौर को अवगत कराया था कि वार्डों में पानी की समस्या है, पेयजल की समस्या है। भीषण गर्मी के बाद भी एक माह होने जा रहा है, आज 11 जून हो गया है, लेकिन पीने की पानी की समस्या का निराकरण कहीं भी नहीं हुआ है। शहरों के घरों के बोर सूखते जा रहे हैं, सार्वजनिक हैंडपंप सूखते जा रहे हैं, घरों में अब टैंकरों की मांग बढ़ते जा रही है। गर्मी अभी भी 44-45 डिग्री चल रही है, बारिश का कोई ठिकाना नहीं है। महापौर जी पानी की समस्या से मुंह मोड़कर आंख कान बंद करके नगर निगम में महापौर एजाज ढेबर चुप बैठे हुए हैं। कांग्रेस के ही पार्षद, चाहे आप देख लेंगे MIC मेंबर जितेंद्र अग्रवाल हो, निशा देवेंद्र यादव हो, जोन 5 के अध्यक्ष मन्नू यादव हो, वो लगातार सड़कों पर उतर के पानी की समस्या के लिए महापौर को आगाह कर चुके हैं, लेकिन उनके वार्डों में भी पानी नहीं पहुंच रहा है। कल कांग्रेस का एक पार्षद है महापौर की परिषद के बाहर में धरने में बैठ गया कि महापौर हमसे बात नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर ये साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो बता रही है कि ये महापौर को विकास से कोई लेना देना नहीं है। भीषण गर्मी में बूंद बूंद पानी के लिए लोग वार्डों में तरस रहे हैं और इस भरी गर्मी में टैंकरों पर निर्भर होते जा रहे हैं और महापौर ने बोल दिया कि शहर की समस्याओं का निराकरण नहीं कर सकते। यदि आप शहर का निराकरण नहीं कर सकते, समस्याओं का निराकरण नहीं कर सकते, अमृत मिशन जल से पानी ज्यादा आना चाहिए था तो कम आ रहा है। आज डगनिया टंकी में सुंदरनगर वार्ड में 65 किलोमीटर पाइपलाइन बिछी है। इन 65 किलोमीटर पाइपलाइन में नए जल नल कनेक्शन दिए गए हैं। इस इलाके में लाखे नगर चौक से लेकर इस ढाल में किसी के घर में पानी नहीं आ रहा है, सबके घर में बोर से चल रहा है। नगर निगम को पिछले 2-3 महीने से अवगत करा रहे हैं, लेकिन आज भी उनके कानों में जू नहीं रह रही है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। महापौर सड़क पे नहीं आ रहे, महापौर पार्षदों की बैठक नहीं ले रहे, अधिकारियों की समीक्षा बैठक नहीं कर रहे कि कहां कहां पानी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है। आगे क्या करेंगे? अगर आज हम लोग सांकेतिक रूप से धरने में बैठे हैं इस भरी दोपहरी में, पंडित सुंदरलाल शर्मा वार्ड के लाखे नगर के चौक में धरने में बैठे इसलिए बैठे हैं कि हमारे यहाँ भी मैत्री नगर है, एकता कैंपस है अंदर में, ये लाखे नगर ढाल है और चंद्रशेखर नगर है, यहाँ पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। नल जो है बहुत धीरे धीरे आते हैं। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस